हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में। हार्दिक को मैं लेके जा रही हूँ हार्दिक के एक्स्ट्रा कराटे क्लासेस। अभी है शाम के 4 बजे है। थोड़ा अलग जगह में प्रैक्टिस होगा तो थोड़ा दूर में है ना, तो थोड़ी जल्दी जा रही हूँ। तो ये देखिए, हम बस पहुँचने वाले हैं। एक टमटम लेके हम आ गए थे और ये जो जगह है ना कराटे की प्रैक्टिस करने के स्कूल, ये जेल के बिल्कुल ही करीब है। तो मैं आपको बिल्कुल जेल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जेल है, कारागार है, इसमें कैदियाँ वगैरह रहते हैं, तो देख सकते हो। तो हम इसके बगल में हैं, बगल से ही जाते हैं। और ये मैं गर्मी के मारे मतलब एकदम हाल बेहाल हो रखा है। बस बच्चे के खातिर जाना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा, बच्चे का कुछ रहे तो, है ना। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे हार्दिक बोला जय श्री राम, जय हनुमान की नारे लगा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। और ये है जगह जहाँ पे सीखेगा, खुले में ही सीखेगा। जय श्री राम। अंदर में गर्मी है, धूप वगैरह ज्यादा है ना, गर्मी है तो फैन वगैरह नहीं है, तो बाहर ही सीखेगा। अब तक इन लोगों के टीचर नहीं आए हैं, तो यही दौड़ भाग कर रहे हैं, देख सकते हो। और मैं जितना बोल रही हूँ मत करो, उतना ही करता है। और यहाँ पे हार्दिक के टीचर आ गए हैं, खुले में ही सिखा रहा है। थोड़ा सा मतलब वो हो गया है यहाँ पे, वेदर अभी ठंडा हो गया है, शाम का टाइम भी हो चुका है ना, वेदर अभी ठंडा हो चुका है, तो यहीं पे प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है। और इन लोगों का गेम है कल, कल मतलब मंडे को है, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है हार्दिक के। और वो काटा बोलते हैं, कराटे का काटा है ये। तो कुछ गेम सीखो तो उसको अच्छी तरीके से एकदम ए टू जेड तक सीखना चाहिए ना। बट बच्चों का ना अभी छोटे छोटे है ना, तो बचपना जाता ही नहीं। थोड़ा बहुत तो खेल कूद के मतलब प्रैक्टिस के बीच में थोड़ा टाइम मिले तो खेलने के लिए लग जाते हैं बच्चे। बट कोई नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है हार्दिक के जितने भी काम हो, स्कूल हो, कराटे क्लासेस हो, मुझे वहाँ पे पार्ट लेके मतलब उसको लेके जाना, अगर वो कुछ सीखे ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शर्त एक ही है, अच्छे से सीखे, क्योंकि उन लोगों के साथ हमारा टाइम तो जाता ही जाता है, बाकी पैसे वगैरह तो बहुत जाते हैं ना। और पैसे ही यूं ही तो नहीं आते हैं ना, पैसे तो अच्छी तरीके से अगर सीखे प्रॉपरली जैसे सिखा रहे उसके मैडम, तो सीखे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं वीडियो उबासी आ गई, वीडियो करके लाई हूँ सारा कुछ, ताकि मैं उसको अगर गलत करे तो मैं वीडियो देख के कुछ उसको सही कर पाऊँ, तो यही कोशिश कर रही हूँ मैं। तो देख सकते हो, और यहाँ पे पूरे प्रैक्टिस चले, और यही इतने सारे बच्चे ही आए हैं आज। कल खेल है तो कुछ लोग मतलब थके हारे भी होते हैं, भाग के आना नहीं चाहते। तो रात हो गई है, घर जाते जाते आधे रास्ते हम हमारे फ्रेंड की गाड़ी में आए, और आधे रास्ते हमको हबी मिल गए थे तो उनके साथ आ गए। अभी जस्ट घर पहुंचने वाले हम, घर पहुँचने वाले हैं। और हार्दिक को मैं पूछ के आई हूँ कि अच्छे से मतलब याद है ना जो कुछ सीखा है तुमने। तो यहाँ पे घर पे आने के टाइम में रास्ते से मैं जलेबियाँ लेके आई थी, रोज़ गर्मा गर्म जलेबी बनाते हैं ना, वो लेके आ गई थी, और मैं एक खा लेती हूँ। और हार्दिक को भी मैंने दे दिया है खाने के लिए, दूध दिया है, और साथ में उसको ब्राउन ब्रेड, इसलिए उबासी आ रही है, ब्राउन ब्रेड दे दिया था, तो उसको भी मैं दिखाती हूँ। चलिए, ये है हार्दिक, खा रहा है ब्राउन ब्रेड, दूध और साथ में जलेबी, उसको जलेबी बहुत पसंद है। तो गाइस, आप सबों से मिल रही हूँ एकदम से सुबह, आज संडे,
संडे की सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक का आज भी कराटे क्लासेस है एक्स्ट्रा वाला, वो चले गए हैं कराटे क्लासेस में। तो हार्दिक आ गए थे 9 बजे के करीब। आज हार्दिक के जाने का टाइम था, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट ये है और हार्दिक भी अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है यहाँ पे। तो खा पी के हो गए हैं फ्री, तो थोड़ा बैठी हूँ और अभी बर्तन वगैरह धो के फिर आप लोगों से मिलती हूँ आराम से। तो ये क्या है देखिए गाइस, मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो चलिए बताते हैं ये क्या है। तो गाइस ये क्या है, ये है रिवाइव। इसमें इससे क्या करता है ना, धुले हुए कपड़ों को, मतलब धुले हुए कपड़ों को, हाँ धुले हुए कपड़ों को ये सूखने के बाद कड़क बनाते हैं। ये है रिवाइव, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हार्दिक का जो अभी गेम होने वाला है ना, उसके लिए हार्दिक के जो कराटे के ड्रेस है उसको थोड़ा कड़क होना चाहिए कपड़े, मतलब एकदम ढीला ढूला नहीं होना चाहिए, तो उसके वजह से ये रिवाइव यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने धुल के इसमें 5 मिनट डिप करके, मतलब वो कपड़े सूखने के लिए रख दिए हैं। देखते हैं कितनी कड़क होती है कपड़े। तो मुझे आप लोगों से को दिखाने का मन था, मैंने पहली टाइम यूज़ किया है तो इसलिए दिखा दी। और चलिए गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। होप कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।